बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था। एक बार की बात है, जंगल में बहुत ही बड़ी भीषण आग लग गई। सभी जानवर आग देखकर डर गए और जान बचाने हेतु इधर उधर भागने लगे। आग लगने के कारण जंगल में बहुत ही ज्यादा भागदड़ मची हुई थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। इस जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया ने देखा सभी जानवर बहुत भयभीत हैं। इस आग लगे हुए जंगल में मुझे जानवरों की मदद करनी चाहिए। यह सोचकर नन्ही सी चिड़िया एक नदी के पास चली गई। नदी में जाने के बाद चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में नदी की जल भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। चिड़िया को देखकर एक उल्लू यह सोच रहा था कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है, इतनी भीषण आग इसके द्वारा लाए पानी से कहां बुझेगी। यह देखकर उल्लू चिड़िया के पास गया कि तुम बेकार ही मेहनत कर रही हो, तुम्हारे लाए पानी से यह आग कहां बुझेगी। इस पर चिड़िया ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि मुझे बस अपना प्रयास करते रहना है, चाहे आग कितनी भी भयंकर हो। यह सुनकर उल्लू बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और चिड़िया के साथ आग बुझाने में लग गया। कहानी की सीख। कहानी हमें यह सिखाती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, हमें अपना प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए।